देख सकती हो रोड कितना खराब है। ये देखो भाई बहुत खराब रोड है। और सिलचर 201 आगरतला 463 अजल जो कश्मीर में पाइन ट्रीज है सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है। देखो भाई ये देखो भाई कितना डेंजरस रोड है मेघालय का। रोड पूरा डैमेज है इसकी वजह से ड्राइव केयरफुली करना पड़ता है। ये देखो हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको फिर से वेलकम करते हैं अपने चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी दोस्त और भाई ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे से होंगे। जैसे कि आपने कल के वीडियो ब्लॉग में देखा था अपना जर्नी जो था वो कंटिन्यू था टुवर्ड्स द आगरतला त्रिपुरा। और इसी के साथ साथ आज का ये वीडियो ब्लॉग हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं मेघालय से। वेलकम टू द मेघालय। सो आज के इस वीडियो ब्लॉग में आप देख सकते हो कि कैसा अपना सफ़र है मेघालय में। और मेघालय में जो है सबसे डेंजरस आप रोड ड्राइविंग करनी पड़ती है क्योंकि रोड जो है वो बिल्कुल हिली है कश्मीर जैसा और ऊपर से रोड इतना ज़्यादा ख़राब है। बहुत डर लगता था, मतलब खड़े में गाड़ी उतारना खराब रोड में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी और अंदर से डर भी लगता था सच में। सो आज का ये वीडियो ब्लॉग हम करते हैं मेघालय से स्टार्ट। और आज के वीडियो में आप देख सकते हो जो मेघालय की कैपिटल है शिलांग, उसको भी हमने थोड़ा बहुत वहाँ पर रुके हैं शिलांग के पास। और वहाँ पर एक प्यारा सा झील है वो आप वीडियो में देख सकते हो। सो करते हैं लेट अस आज का ये वीडियो वाला यहीं से स्टार्ट, मेघालय से स्टार्ट। और अपना सफ़र जो है वो बिल्कुल कंटिन्यूस है इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि कल रात तक हम अपने मकाम पर पहुंच जाएंगे जहां का हमें माल भरा है। सो अगर आप दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करके जाना। बाकी लव यू ऑल फैमिली, अपने भाई को दुआओं में याद रखना। साथ भाई वेलकम टू द मेघालय। तो रात को ही हम मेघालय एंटर हो गए थे, उसके बाद हमने अपना जो ट्यूबवेल टैंक वो खोल किया है और सुबह हम वहाँ से निकले हैं क्योंकि यहाँ पे जो है रात को नहीं चलना पड़ता है क्योंकि ये जो एरिया है बहुत डेंजरस एरिया है। और इसी के साथ साथ हमें अपना कश्मीर वाला रोड जम्मू श्रीनगर रोड याद आया। ये आप देख सकते हो बिल्कुल हिल उसी जैसा है जैसे अपने रोड में हिल है। और ये देख सकते हो गाड़ी में 3 नंबर गियर है। ये देखो भाई देखो यहाँ के पहाड़ों में कैसा मिट्टी है, लाल लाल मिट्टी है। और इसी के साथ साथ अपना सफ़र जो है वो भी आगे तरफ बढ़ता रहा है। और हम यहाँ से अपना जो अनलोडिंग पॉइंट है वो है यहाँ से एटलीस्ट 300-350 किलोमीटर। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हर रात तक हम ज़रूर पहुँच जाएंगे भाई। और इसी के साथ साथ भाई ये आप फॉरेस्ट वगैरह भी चेक कर सकते हो मेघालय का। और मेघालय सिटी जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आसाम के साथ ही थी और 1972 में इसको फार्म किया गया है। और किसने इसको बनाया है वो है कार्विंग था उस बंदे का नाम। और ये देखो भाई कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है यहाँ पे, सीधा एकदम जैसा कश्मीर जैसा उसी तरह फॉरेस्ट। और जैसे मैंने आपको कहा कि ऊपर वाले ने हर किसी स्टेट में अपना अपना रिसोर्स रखा हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कितने बड़े बड़े पेड़ हैं जंगलों में जो कि पान सुपारी के पेड़ है, इनको पान निकलता है। तो फिर अपना सफ़र जो है वो भी कंटिन्यू है आगे की तरफ। अब हम इसके बाद पहुँचने वाले हैं शिलांग जो कि मेघालय की कैपिटल है। और भाई ये आप चेक कर सकती हो हिल एकदम इसमें ऐसा ही है जैसे हमारे कश्मीर में। और गाड़ी जो है 3 नंबर अभी चल रही है और हम भी आराम आराम से ही चल रहे हैं बिल्कुल ग्रीन आरपीएम के, क्योंकि चढ़ाई में क्या है फ्यूल का भी ख्याल रखना पड़ता है भाई।
और इसके बाद अब हम पहुंचने वाले हैं शिलांग। और भाई ये आप देख सकते हो हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं शिलांग मेघालय में। शिलांग जो है ये बहुत ही टूरिस्ट एरिया है, यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। ये आप देख सकते हो ऊपर से रोड जा रहा है, जो है वापस रोड जा रहा है, जो ऊपर गाड़ी चल रही है ये जा रहा है गुवाहाटी के लिए, और जो सीधा रोड जाता है वो जाता है अगरतला त्रिपुरा के लिए, और यहाँ ये रोड जो है ये शिलांग जाता है। और ये देखो भाई साहब यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए हमने सोचा अब हम भी थोड़ा रोकेंगे यहाँ पे और आपको भी दिखाएंगे कैसा ब्यूटीफुल झील है यहाँ पे। ये देखो बहुत ही बड़ा, बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल, और देखो भाई वेरी नाइस, सो नाइस, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे, ये आप खुद देख सकते हो। और इसी के साथ साथ क्या है, मेघालय जो है ये भी फॉरेस्ट एरिया है, ये आप देख सकते हो ऊपर जो कश्मीर में पाइन ट्रीज है सेम ऐसे ही यहाँ पे भी है। देखो भाई तो अब हमने यहाँ पे ब्रेक वेक मारी और यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है पुलिस वालों की, लेकिन यहाँ पे क्या है उतना एंट्री नहीं जितना साउथ में लेते हैं, खाली 5,000 रुपया, और इसी के साथ साथ चलता है अपना सफ़र। और इसी के साथ साथ हम चलेंगे अपनी गाड़ी के पास और अपना जो सफ़र है वो बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा आगे की तरफ, लेट अस चलते। और भाई ये वाला सीन चेक करो, एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अपने कश्मीर में चल रहे हैं पहलगाम साइड में। देखो भाई बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया है। और आज हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेघालय की कैपिटल कौन सी है। आज ये क्वेश्चन हम आपके ऊपर ही छोड़ते हैं। और ये यहाँ से बोर्ड वगैरह भी नज़र आ गए हैं, जवाई 44, सिलचर 201, अगरतला 463, अजल 375। वाई और इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा हिल है मेघालय में, ऊपर से पूरा माउंटेनियस एरिया फॉरेस्ट एरिया। ये देखो भाई तो अभी हम आगे कहीं पे रोकेंगे अच्छी सी जगह, क्योंकि यहाँ पे हर कोई जगह अच्छी है, वहाँ पे अपना खाना वाना खाएंगे फिर निकलेंगे आगे अपने मंजिल की तरह। तो अपना सफ़र जो है वो अभी रह गया है 370 किलोमीटर यहाँ से। वो भी लाल है ये आप देख सकते हो, ये देखो, इसलिए यहाँ पे क्या है फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, क्योंकि रेड सॉइल जो है इसमें जो फॉरेस्ट के प्लांट है अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। ये देखो भाई कैसा है पूरा लाल कलर, मुश्किल हुआ है इस रोड को चलने में। ये आप देख सकती हो रोड कितना खराब है, एटलीस्ट यहाँ पे जो है मेघालय में 40 किलोमीटर खराब रोड है, और इतना ज़्यादा खराब है पूछो मत भाई, एक नंबर दो नंबर गाड़ी में चलना पड़ता है, लेकिन आराम आराम से ही। ये देखो भाई बहुत खराब रोड है, बहुत डेंजरस रोड है ये, क्योंकि यहाँ पे जो टोल वाले हैं वो भाग गए हैं, उन्होंने बोला कि जब तक अवर रोड बंद नहीं होगा तब तक हम रोड को क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ के जो लोकल बंदे हैं उन्होंने उनको मारपीट किया, बोला हम अवर रोड बंद नहीं करेंगे, उसकी वजह से उन्होंने रोड
छोड़ दिया, उन्होंने बोला जो आपको मन करे वो करो रोड को, हम मतलब चले जाएंगे। वो टोल वाले ही चले गए यहाँ से। ये देखो भाई बहुत डेंजरस रोड है, ऊपर से जो है पहाड़ों के बीच में रोड है। और भाई ये आप देख सकते हो ये गाड़ी कहाँ पे पलट गई है यार। इसीलिए सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट रहती है ट्रक ड्राइवरों से कि प्लीज एंड प्लीज भाई ड्राइव केयरफुली, क्योंकि ये जो रोड है बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा खड्डे हैं इसमें, मतलब बहुत इतना ज़्यादा डर लगता है इस रोड में चलने पे। और ये आप देख सकती हो उतराई कितना ज़्यादा है यहाँ पे, खाली जो है हिल चढ़ाई और उतराई डाउन वर्ड स्टार्ट होता है मेघालय में, बहुत डेंजरस स्टेट है, बहुत ज़्यादा हिली है। और इसी के साथ साथ अब हम इस स्टेट को बाय करने वाले हैं और आगे हमें अब लास्ट जो नाका है यहाँ पे, वहाँ पे कांटा वगैरह करना पड़ता है जो लास्ट पॉइंट है मेघालय का, उसके बाद फिर से हम एंटर हो जाएंगे आसाम में, मतलब जो कि डिगरखल करीमगंज का एरिया आता है। और आसाम पार करके हम पहुँचेंगे फिर चुराई बारी जो कि अपना त्रिपुरा का बॉर्डर है, और इसी के साथ साथ फिर हम एंटर हो जाएंगे इंडिया की लास्ट स्टेट में त्रिपुरा में। और भाई आप सभी दोस्तों और भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो व्लॉग को हम यहीं पे करेंगे एंड, और भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और मिलेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, लव यू आप।